हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है रेलवे साइको का, जो कि शॉर्ट रूट का आपको क्वेश्चन मिलेगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो नए सिलेबस के अनुसार आएगा, ठीक है। अगर LP जो है आपकी बार जो सिलेबस एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हैं निकाल रहा है, तो उसमें भी निकालेगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो हर प्रकार के जो आप साइको का जो रूटीन है, आप हर प्रकार के जो सेट हैं आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। हर प्रकार का जाने जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है, SM और जो पिछले एग्ज़ाम में SM में भी पूछा गया है, तो उसी टाइप का आप सब आपको जानना ज़रूरी है। तो ये है शॉर्ट रूट का क्वेश्चन। तो शॉर्ट रूट का क्वेश्चन जो है किस तरह बनता है, ये हमको देखना है। तो इसमें जो आप बचपन में देखे होंगे, जैसे एक रास्ता दिया होता था, इधर से इधर जाते थे, फिर बैरियर बंद हो जाता था, फिर इधर से लेकर आते थे, तो वैसे ही है इसमें बैरियर। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये जो गोला वाला दिख रहा है, ये आपको बैरियर है। अगर मान लीजिए हमको D से G के पास जाना है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इस तरह नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये गोला वाला जो है बैरियर है। अब देखते हैं डबल गोला वाला क्या है। डबल गोला वाला ये जो है आप इससे क्रॉस कर जाइएगा, ठीक है। डबल गोले वाले के बीच से आप निकल सकते हैं, लेकिन सिंगल गोले वाले बैरियर जो है ये आप इससे पार नहीं जा सकते, ठीक है। और ये जो है आपका एक टाइप का घर है, ठीक है। तो उसी घर से आपको इसमें क्या है कि जिस रास्ते से हम गुजरेंगे उसके अंदर जो आएगा एक घर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर एक घर आना चाहिए केवल। अगर दो घर आता है तो वो शॉर्टेस्ट रूट में नहीं आएगा, शॉर्ट रूट में नहीं आएगा, उसके लिए फिर दूसरा रास्ता खोजेंगे कि केवल एक ही घर आए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है कि आपका ये थे कुछ नियम, आप जान गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है कि F और O से जाने के लिए शॉर्ट रास्ता, ठीक है। यहाँ पर F है, ठीक है, और वो आपका आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ F है ऊपर में और वो नीचे है, तो हमको इधर से जाना है। तो कैसे हम जाए कि केवल एक घर आए और बैरियर भी ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से अगर F से जाते हैं, इधर से छेद के पास से गुजरेंगे, तो यहाँ बैरियर है, ठीक है। तो इस तरह नहीं जाना है हमको। यहाँ से F से G जाएंगे और सीधे यहाँ से नीचे उतरेंगे और 9 होते हुए O के पास जाएंगे। तो जो बीच में रास्ता जो घर पड़ेगा वहीं इसका आंसर होगा। तो F से O का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो 9 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 9 होगा। अब देखते हैं DY का। D और Y, D हमको यहाँ पर, रुकिए थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए D और Y, D यहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा है, और Y जो है आपका, Y हम देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है, Y। तो ये D और Y के पास हम कैसे जाएंगे। D यहाँ से अगर इस तरह जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ बैरियर लगा हुआ है, इस तरह नहीं जा सकते हैं। आपको यहाँ से देखिए D इधर से गए 1 से और Y के पास पहुँच गए। तो D और Y का जो शॉर्टेस्ट रूट, जो बीच में घर आता है, वही आंसर होता है। तो 1 1 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका E और R का। E यहाँ पर है और R आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखेंगे हम E और R का। तो E और R, E R यहाँ पर है और E यहाँ पर है, हम कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आएगा यहाँ 4 तक, फिर इधर से 4 तक, इधर नहीं जाएंगे, इधर से आएंगे तो बैरियर है, ठीक है। देखिए फिर देखिए इससे हम यहाँ आएंगे 4 तक, फिर आपको यहाँ नीचे जाएंगे, नीचे से फिर इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, तो कौन सा पड़ा, 4 पड़ा, ठीक है। तो E से और 4 के जो शॉर्टेस्ट रूट है वो 4 आंसर इसका होगा। अब देखते हैं F और K का। F यहाँ पर है और K आपका, K यहाँ पर है, ठीक है। तो F से यहाँ पर अगर आप आते हैं, देखिए F से यहाँ आएंगे 6 होते हुए, इधर होते हुए, फिर यहाँ आएंगे और 9 होते हुए K तक। तो इसमें बीच में 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 आ जा रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा। तो 2 नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये 2 आ गया तो अब तो गड़बड़ है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दो नहीं आएगा, आप यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, ठीक है, और नाइन से के आ गए, तो जो नाइन होगा इसका जो आंसर होगा नाइन होगा। आपका दिमाग कितना तेज़ काम करता है, कहीं कहीं आप दो से गुजरिएगा, लेकिन हमको एक से ही गुजरना है, ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट रूट ये जो हुआ एफ और के का नाइन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है वाई और ई का, तो वाई यहाँ पर है आपका और जो ई है यहाँ पर है, तो हम कैसे यहाँ पर आ सकते हैं वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए, वाई और ई के पास में हमको आना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम और शॉर्ट दूरी तय करना, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ भी आ सकते हैं चार के पास और यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें, ये ई से चलेंगे और यहाँ से प्रवेश करेंगे वन की तरफ, और यहाँ आते आते यहाँ से यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसका वन आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्स और एम का, तो एक्स यहाँ पर है और आपका एम यहाँ पर है, तो एक्स और एम के बीच में आपको देखना है, एक्स और एम को हम देखना है। तो एक्स यहाँ से हम गुजरेंगे और ये बैरियर दोनों के बीच से गुजर जाएंगे और 10 से गुजरेंगे और फिर इधर जाएंगे, इधर से देखते हैं नीचे आएंगे तो नहीं होगा, नीचे आएंगे इधर से तो बैरियर है, यहाँ से ही पार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, ऐसे 10 तक जाएंगे, ठीक है, आगे चलते जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, तो आप एम के पास पहुँच जाएगा। तो बीच में कौन पर रहा है, तो 10, तो इसका जो आंसर होगा आपका एक्स और एम का 10 होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका एल और जी का, एल के यहाँ पर है, आप यहाँ पर एल हैं और जी यहाँ पर है, तो एल और जी का निकालने के लिए यहाँ डायरेक्ट आइए आप, इधर से जाएंगे तो बैरियर है, इधर से 9 के पास आते हैं और 9 के नीचे से यहाँ एल आ जाएंगे, तो इसका जी और एल या एल जी का जो होगा आपका 9 होगा, ठीक है। 8 का देखते हैं, पी और ई, पी और ई, पी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो पी और ई के लिए हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ ई से चलेंगे तो ये चार है, ठीक है, चार से नीचे आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है, और इससे आएंगे और फिर 8 तक आ जाएंगे, तो फिर 2 मिल जा रहा है, तो हमको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से आकर ओ से आकर पी पर जाना है, तो इसका जो आंसर होगा आपका पी और ई का जो 8 का आंसर होगा 4 होगा, ठीक है, 4 से ही गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू और एस का, डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू यहाँ पर है और एस आपका इधर में है, तो डब्ल्यू और एस को यहाँ से हम चलेंगे डब्ल्यू के पास से 7 से, और यहाँ से आप इधर से आकर इधर से मिल जाएगा, अगर इधर से आएगा तो बैरियर है, ठीक है, तो बैरियर पार नहीं कर रहे, यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट आ सकते, तो डब्ल्यू और एस का जो आंसर होगा 7 होगा, आपका 9 का आंसर जो होगा 7 होगा। आप 10 देखिए, 10 है एस भी, तो एस यहाँ पर है और भी यहाँ पर है, तो यहाँ से आप भी डायरेक्ट 2 से गुजरेंगे, घर 2 से गुजरेंगे और यहाँ तक एस पर आ जाएंगे, तो डब्ल्यू और एस और वी का जो आंसर होगा आपका ये 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम मार सकते हैं, देखिए यहाँ पर 40 मिनट टाइम, 40 क्वेश्चन है और 5 मिनट टाइम रहेगा आपको, तो आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो आपको 9:21 हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि 9:21 हो गया इतना ही मारे, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए कुछ अगला वाले सेक्शन के लिए फास्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 10-10 का जो आपका 4 उपखंड रहेगा, ठीक है, और 40 क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में आंसर देना, अर्थात एक खंड उपखंड को जो हो आपको 1 मिनट के आसपास में आंसर कर देना है। चलिए पहला 11 का देखते हैं, जे और डी, जे यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो
तो इसे डायरेक्ट यहाँ से आएंगे दो से मिल जाएंगे, तो इसका आंसर दो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका डब्ल्यू और एस। तो डब्ल्यू यहाँ पर है और एस आपका जो है यहाँ पर है, तो डब्ल्यू और एस के आने के लिए यहाँ से आप डब्ल्यू के पास से आइएगा और यहाँ भी से होकर पाँच होते हुए यहाँ से बैरियर पाँच से भी यहाँ से नीचे उतर जाइएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू और एस का जो आंसर होगा आपका पाँच हो जाएगा। ठीक है, और 13 देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 13 वी और क्यू। तो वी आपका यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, इधर से आइएगा क्रॉस करते हुए पाँच को और इधर डबल वाले से आप गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बैरियर दोनों तरफ है, आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि वी और क्या है, वी और क्यू का। ठीक है, तो वी और यहाँ से पाँच गुजरेंगे, भी और क्यू, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ से आइए। ठीक है, यहाँ आइए, लेकिन नहीं हो रहा है, कभी कभी मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, भी और यहाँ से जाएंगे पाँच से और पाँच से नीचे उतर कर यहाँ पर क्यू पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी और क्यू का जो आंसर होगा आपका 13 का जो आंसर होगा आपका पाँच होगा। 14 देखते हैं, 14 क्या है, 14 आपका एक्स और सी है। एक्स कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, आपका सी यहाँ पर है, एक्स और सी के। ठीक है, एक्स और सी के पास हमको आना है, तो सी से यहाँ से चलेंगे वन के, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे, तो वन आएगा बीच में, तो एक्स और सी का जो आंसर होगा आपका 14 का जो आंसर होगा आपका 14 का जो आंसर होगा आपका एक होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी गुजरे, वन से भी गुजरे, यहाँ तीन से भी गुजरते हैं, तो हमको एक्स और सी से जानना है, तो हमको पहले एक से लेना है। ठीक है, एक से यहाँ से गए, यहाँ से गए और यहाँ से सी तक पहुँच गए, लेकिन हमको एक्स और तीन जो इसमें देखेंगे कि इसके रूट में जाने से इधर से जाएंगे तो इधर भी बैरियर है, इधर से भी नहीं जा सकते, इधर से जाकर और इधर भी जाएंगे तो फिर आपको इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ही घर आना है, तो एक से सी की ओर जाना है हमको, ना कि सी से एक्स की ओर आना जाना है, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इधर जाएंगे, ठीक है, और इधर से जाकर आप इधर से जाइए, फिर इधर से जाइए, फिर इधर से जाइए और फिर इधर से जाइए। ठीक है, तो केवल एक घर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा एक्स और सी वाला का ये तीन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका एल और वाई, एल और वाई। तो आपका एल जो है इसमें यहाँ पर है और वाई जो है यहाँ पर है, तो एल और वाई का जो आपका जो 15 का है आपका, वो 15 का एल और वाई हमको शॉर्टेस्ट रूट खोजना है, तो आपको इधर से जाएंगे तो यहाँ बैरियर है। ठीक है, एल और वाई, तो हम पहले एल से चलेंगे। ठीक है, एल से चले यहाँ पर, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ठीक है, और यहाँ से आए और यहाँ से पहुँच गए, तो एल और वाई का 15 का जो आंसर होगा आपका एल और वाई का, देखते हैं कि एल यहाँ से चले, ठीक है, सिक्स के पास गए, यहाँ गए और यहाँ गए और देखते हैं कि दो घर के पास नहीं करना है, तो ऊपर से गए, फिर इधर से गए और वहाँ वाई के पास पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ एल का जो आंसर होगा आपका सिक्स होगा, क्योंकि पहले छः घर छः से गुजर रहा है, एल और वाई का आंसर छः होगा। 16 देखते हैं, 16 क्या है, 16 आपका सी और वाई है, सी और वाई है, सी और वाई यहाँ पर है, आपको इधर से जाना है डायरेक्ट वन से, तो सी और वाई का जो आंसर होगा वन होगा, 16 का जो आंसर होगा आपका वन होगा। 17 देखते हैं, 17 देखते हैं के और सी, आपका के और सी, तो सी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो किस प्रकार से हम गुजरे, तो 17 का जो आंसर होगा आपका यहाँ से गुजर सकते हैं वन से और यहाँ से गुजर कर फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है, के यहाँ पर बैरियर है, हमको के और सी के पास, तो इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आप क्रॉस कीजिएगा, फिर इधर जाइएगा और वन से गुजर जाइएगा, लेकिन वन से गुजरने के पहले आपका जो आंसर होगा आपका ये, तो यहाँ से गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, सी पहुँच गए, तो वन होगा।
ठीक है, 17 का 1 होगा, 18 देखते हैं, 18 वाई और एस है, वाई यहाँ पर है और आपका एस यहाँ पर है, तो कैसे गुजरेंगे, यहाँ से जाइए, वाई और एस 17 और 18 है ना, 18 का जो आपका किस तरह से आप जा सकते हैं, यहाँ आइए, 18 वाई इधर, ठीक है, लेकिन आप यहाँ आइएगा तो 4 से आपको गुजरना पड़ेगा, इसमें दो तीन क्वेश्चन आपको पेचीदा थोड़ा मिलेगा ही, आपको वाई से एस के पास जाना है, ठीक है, तो वाई के एस के पास जाना है, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है, और कहीं रास्ता दिखता है, पहले तो 4 हमको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो पहले वाई से जो जिधर नज़दीक हम एक से क्रॉस करेंगे, फिर इधर से आकर यहाँ देखते हैं, वाई से 4 क्रॉस करेंगे, फिर इधर क्रॉस करेंगे तो फिर एस के पास आएंगे, तो हमको दो घर से गुजरना ही पड़ेगा, तो हम पहले वाले घर का प्रेफरेंस देंगे, तो ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 भी और वाई है आपका लास्ट, यहाँ 19 है भी और वाई, भी को यहाँ से हम गुजारेंगे, 4 से गुजरते हुए यहाँ तक वाई पर पहुँच जाएंगे, तो भी का जो आंसर होगा आपका 4, भी और वाई का आंसर 4 होगा। 20 से देखते हैं, यू और एक्स, यू यहाँ पर है और एक्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो यू और एक्स कैसे पहुँचेंगे, यू से यहाँ पर टी जाएंगे, ठीक, फिर भी जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, 4 जाएंगे, ठीक है, फिर एक्स जाएंगे, तो यू और एक्स हैं, तो यू के पहले जो हम यहाँ 4 मिला वही 4 आंसर होगा आपका, अर्थात तो जो 20 का आंसर होगा आपका, 20 का जो आंसर होगा आपका 3 होगा। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका शॉर्ट रूट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये परफेक्ट बनेगा, तो आप इसको अगर सेट आप खरीद लें तो बेहतर होगा, आप रोज़ इसको बहुत शॉर्ट समय में जितना भी देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, कि देखते देखते ही आंसर दे देना है, कि एफ यहाँ पर है आपको और ओ यहाँ पर है, तो इधर से 6 9 इधर से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रूट, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये पॉसिबल है कि आप इसको 1 मिनट में 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सारे सेट आएंगे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे।